अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 7 बज रहा है, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। कल रात भोर बारिश हो रहा, जमशेदपुर में इतना बारिश हो रहा मत बोले, जैसा आषाढ़ श्रावण महीना का बारिश है। मेरा काम हम सब खत्म करके नहा करके पूजा कर लिया, थोड़ा माथा धो के नहाए, क्योंकि पतलू ना बहुत कचरा चीज बाहर से ला के घर का सामने रख दिया था, वो सब झाड़ू करके नहाने पड़ा मेरे को। पावर भी अंदर में कट गया है। फूलगोभी आलू का फ्राई बना रहे हैं, काफी है सब्जी फ्राई बैठा भी दिए हैं फूलगोभी और आलू का। आटा सा नहीं जा रहे हैं, सुबह से माथा धो के नहाए हैं ना, थोड़ा चाय पीने मन करा जा रहा है, चाय पीने थोड़ा सा पीने, चाय पीने से मेरे को प्रॉब्लम होता है इसलिए हम चाय नहीं पीते हैं, कभी काल मन करने से थोड़ा बहुत पी लेते हैं। देखिए सोई है अभी, चाहिए नहीं है, जा रहे हैं उसको जगाएंगे। रात बहुत बिजली कड़क रहा और थोड़ा बारिश हो रहा, इतना जोरदार बारिश हो रहा था क्या बताएं आप लोग को, बहुत जोर से बारिश हो रहा था, पूरा एकदम पानी पानी जैसे पूरा एकदम भर गया था सब, सब सुखा होते थे, सुखा सुखा गया पानी सब। फूलगोभी का फ्राई बन चुका है, उधर वो चूल्हा में बैठा दिए तो इसमें, और इधर पराठा बना रहे, रोटी बना लिए, पराठा बना रहे, कोई पराठा खाएगा कोई रोटी खाएगा, इसलिए अलग अलग कभी कभी रोटी भी बना लेते हैं। यहाँ देखिए 2 किलो लीजिए, 5 किलो लीजिए, 10 किलो लीजिए, सब के चढ़ा आलू धोइए अच्छा से, तो जाके साफ सुथरा होता है। पानी देखिए, एक बाल्टी पानी में डाल दे, पानी भी मिट्टी हो गया क्या। हम आलू धो के आते आते बेटी बर्तन धो लिया है। हम आलू धो के आ गए, आलू धोने का बाद भी उसका शरीर से कचरा नहीं जा रहा, मिट्टी सब कचरा मतलब मिट्टी धोए हैं तभी भी, हाथ में रगड़ रगड़ करके धोए हैं तभी भी देखिए नहीं छूट रहा मिट्टी। सब्जी काट लिए हैं, मछली काट रहे हैं, नाश्ता हो गया, बर्तन भी धो से बोल दिए। मछली का अंडा है थोड़ा सा निकला है, उसको काट के फ्राई कर। लंच करने के बाद आप लोग से बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ब्लॉग्स ये करेंगे बोल के छत के ऊपर चले जाते हैं, इसलिए बात नहीं कर पाते हैं, फिर आके थोड़ा लेट जाते हैं। आज जब भी डिनर हो गया, डिनर करके बर्तन भी धो लिए, थोड़ा बेड कवर मच्छरदानी और तो क्या कवर था, शिवरात्रि है कल परसों 1 तारीख को है, तो इसीलिए थोड़ा कपड़ा वपड़ा खींच रहे हैं सफे पे, फिर भगवान लोग को साफ करेंगे बोल के सोच रहे, नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 दिन पहले से आप लोग को भी बताए थे करेंगे बोल के, नहीं करें करेंगे, पहले घर का वो सब रूम का जो बेड कवर मच्छरदानी ये सब खींच ले रहे हैं, उसका बाद
भगवान को क्लीन करेंगे। इतना बारिश हो रहा, कल रात भर हो रहा था, फिर अभी शाम से मतलब जैसे ही 6-7 बज गया ना जुम्मा, 6-7 बजे से इतना बारिश हो रहा जैसा कितना आषाढ़ श्रावण महीना का शुरुआत हो गया। इतना बारिश हो रहा, पता नहीं इस साल बारिश ही होती रहेगा क्या, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में एक बार बारिश हो रहा, पता नहीं बारिश कब तक छूटेगा। फिर बारिश होने से जो सरकार रोड नहीं खुदाई कर रहे हैं, अभी तो रोड बन ही गया हम लोग का सामने में, लेकिन कहीं कहीं जो मिट्टी थोड़ा बहुत है ना, वो मिट्टी में पानी पा जाने से ना खीर बन जाता है, कीचड़ में खीर बन जाता है, जैसा कोई गाड़ी उड़ी पैर रख देने से ना वो पूरा लचर पचर लतर पतर ऐसे होता होता है, जैसे टाउन नहीं है देहात है इसी टाइप का। हम लोग का गांव में ना बारिश होने से मिट्टी नहीं होता है, उधर बालू एरिया है, जैसे पानी होता है ना सूख जाता, मतलब मिट्टी नहीं कीचड़ होता, बालू है ना, इसीलिए सुवर्णरेखा जो नदी नहीं गया है वही है हम लोग का गांव में, गांव का किनारे देखे मतलब झारखंड देखे, वेस्ट बंगाल देखे, उड़ीसा देखे, कहाँ बंगोपसागर के कहाँ पर गिरा है पता नहीं, हाँ बंगोपसागर में गिरा, तो वही वेस्ट बंगाल का साइड से जो गए ना, हम लोग का गांव का साइड से निकल गया। और मेरा दीदी का घर जो उड़ीसा बंगाल का बॉर्डर है ना, उनका घर का पीछे से जाके पूरा उड़ीसा का अंदर देके जाके बंगोपसागर में गिर गया, वही सुवर्णरेखा नदी है हम लोग का गाँव। कभी जंगल कभी नहीं, गाँव जाने से आप लोग को दिखा देंगे, कभी तो जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे कभी जाएंगे। पता नहीं कोई डॉगी लेके आया और यहाँ का डॉगी लोग को पत्थर मारा, इसीलिए डॉगी लोग मेरा बहुत ये भूख रहा है बाहर में। डॉगी बच्चा लोग जो है ना, यहाँ जो घर रूम नहीं पड़ा है, बारिश हो रहा था बोलो उसमें चढ़ गया, वो पता नहीं कोई है बीच बीच में डॉगी लेके आते रहता है, एक तो झोला में पत्थर ले लेता है, दूसरा डॉगी सबको मारते रहते, अपना डॉगी को लेके रोड में जाते रहता, और वो पत्थर जो किसी का गेट में किसी का कहीं पर रोड में कहीं लग जाता है। देखिए डॉगी सब कैसे भूख रहा, सॉरी देखिए नहीं देख के, कैसे आप लोग देखेंगे सुन लीजिए, भूख रहा पूरा मेरा डॉगी लोग को नहीं मार रहा, जितना डॉगी रोड में जाएगा ना सबको मारते मारते जाता है, पता नहीं पगला है कि अच्छा आदमी है, समझ में नहीं आ रहा, उसका डॉगी तो डॉगी है दूसरा का डॉगी थोड़ी ना है, मार मार के जा रहा है। ठंडी पूरा कम गया इसीलिए कपड़ा धोते हैं, ठंडी रहता तो ठंडी में कपड़ा धोने के पानी छूने भी तो मन नहीं करता है, ठंडी कम हो गया इसीलिए ना कपड़ा धो लेते हैं, क्योंकि हम ना गर्मी का दिन में भी शाम को ना कपड़ा धो लेते हैं, इसीलिए अभी कल भी धोए परसों भी धोए आज भी धोए, अभी कपड़ा खत्म नहीं हो रहा, फिर कल भी कुछ धोएंगे परसों शायद भगवान लोग को साफ करेंगे, 28 तारीख को करेंगे, 1 तारीख को शिवरात्रि है, सब जो हम लोग का रजाई का कवर उवर सब धो रहे हैं ना, अभी हम नहीं धोएंगे, ठंडी खत्म होगा फिर जाके धोएंगे, अभी थोड़ा धो दे रहे हैं सब कुछ, फिर शिवरात्रि खत्म होने के बाद पर्दा उर्दा धोएंगे होली आ रहा, अभी से बेड कवर तो क्या कवर मच्छरदानी फिर पैर पैर पोछने वाला जो है वो सब अभी धो दे रहे हैं, शिवरात्रि के बाद फिर पर्दा उर्दा सब जितना घर का कपड़ा जहाँ पर है छोटा मोटा सब धो देंगे, ठंडी खत्म होगा तब जब पूरा ठंडी चला जाएगा फिर रजाई का कवर वोर कम्बल उम्बल सब धो के रख देंगे। पहले कोई भी डॉगी भूखता था तो मेरा टॉफी भी भूखता था, और फिर कोई घर से जाने से भी रोता था बैठ के देखता था, आजकल क्या हो गया पता नहीं, वो ना कोई घर में आने से भी ना नहीं मतलब भूखता ना उसका पास जाता है, पूरा एकदम चुप्पे से बैठ रहता है, और पहले जैसा ये नहीं करता तेज नहीं जैसा भगा ले जाएगा दौड़ा ले जाएगा ऐसा नहीं करता है, फिर रात को नीचे उतर जाता है लेकिन चढ़ नहीं सकता पलंग के ऊपर, इसीलिए ना कुर्सी लगा दी है, कुर्सी से भी कुर्सी से मतलब पलंग में जैसा दो पैर पहले वाला रखता है ना पीछे पैर से घिसक जाता है कुर्सी तो गिर जाता है एक दो बार, इसलिए डरता भी है। देखिए सबको ही डोगी भोंक रहा है, वो नहीं भोंक रहा क्योंकि पहले बहुत भोंकता था अभी नहीं भोंकता है, पूरा ये हो गया जैसा आदमी का एच हो जाने से नहीं एकदम पूरा चुपचाप हो जाता वैसे ही हो गया, भूकेगा लेकिन इतना पहले जैसा नहीं है।
एक भी बार नहीं भूखा, खिड़की से जाके देखा लेकिन भूखा नहीं। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड नाइट, बाय।